हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे सेसी व्लॉग। सो मैं आज आप लोगों के साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ अपना अमेज़न का ब्यूटी एंड फैशन हॉल। ये देखिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जिसमें फैशन एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। सो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे फैशन एंड ब्यूटी हॉल शेयर करती हूँ अमेज़न के। आई होप आप लोग सब देखते हो, बिकॉज मैं नोट करती हूँ कुछ लोग मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर मैं व्लॉग में वो चीज़ें यूज़ करती हूँ तो फिर आप लोग लिंक मांगते हो तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है अलग से फिर आपको लिंक देना। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना देख लिया करो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, लिंक्स नहीं मांगने पड़ेंगे। ओके, सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बाय द वे, ये टॉप भी मैंने अमेजोन से परचेज करा है। सो अगर आपने मेरा कोई पुराना हॉल मिस करा है अभी और आप ढूंढ रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक और लिंक दूंगी, वो होगा एमएचएस स्टोर लिंक। एमएचएस स्टोर लिंक में क्या है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो एमएचएस स्टोर लिंक एक लिंक है जो कि है माय हॉल स्टोर लिंक। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे नाम का कैटलॉग मिलेगा, स्टे सेसी ब्लॉग। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उस कैटलॉग को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे अभी तक जितनी भी मैंने शॉपिंग करी है अमेजोन से सारी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे कोई हॉल मेरा कुछ मिस हो गया है और आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको एमएचएस स्टोर के लिंक में मेरे कैटलॉग में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉल। फर्स्ट पीस जो है, मैं कुछ करूं और कुछ गिरे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, शुरुआत नहीं गिरा दी। तो फर्स्ट पीस है यहाँ पे दीपू की ये हुडी। अगर आप लोग इंस्टा पे फॉलो करते हो तो समझ जाओगे, और मैंने शायद व्लॉग भी बनाया था। हाँ, बनाया था मेरा लास्ट ईयर का न्यू ईयर का व्लॉग जिसमें मैंने ग्रे कलर का वेट पहना था, टॉप एंड स्कर्ट। दीपू ने एक व्हाइट कलर की हुडी पहन रखी है, एग्जैक्टली ये वही है, बिल्कुल सेम है। उस पर इस तरह से रोजेस के पैचेस लगे हैं, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, रोज के पैच यहाँ पे स्टिक हो रखे हैं। ये बिल्कुल सेम वही हुडी है, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। और वो व्हाइट कलर की है दीपू की, और उसकी सेम ब्लैक दीपू ने अपने लिए ऑर्डर करवाई है, दीपू को बहुत ज्यादा पसंद आई। तो इसकी पूरे कैप पर यहाँ पे आप फ्लावर के और लीव्स के पैच करे हुए हैं इन्होंने, और यहाँ इस तरह से स्लीव पर ये पहन कर कैसी लगेगी मैं पिक्चर दिखा दूंगी। तो ब्लैक कलर की ये हुडी है, स्वेटशर्ट है, और उसमें साथ में हुडी, इसकी ही हमारे कौन याद करे, साथ में इसमें हुडी भी है। तो ये काफी ज्यादा गर्म है, दीपू ने इसकी एक ऑलरेडी ट्राई कर रखी है तो दीपू को पता था। फर्स्ट पीस लिया है मैंने दीपू की, स्वेटशर्ट हुडी, ठीक है, ओके, इसको साइड कर देते बिकॉज बहुत भारी है। नेक्स्ट पीस मुझे नहीं पता मैंने क्यों ले लिया, क्या सोच कर लिया, बट मेरे को पता नहीं ये ड्रेस इतनी प्यारी लगी कि मैंने ये ड्रेस ले ली, जबकि मैंने किसी के लिए सोच कर नहीं ली। काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने किसी बच्चे के लिए लिया, बट मुझे ये ड्रेस इतनी क्यूट लगी, अब पता नहीं ये मैंने क्यों ली मुझे नहीं पता, बट मैंने ये ड्रेस पिक करी है। नेक्स्ट एक न्यू बॉर्न बेबी की ड्रेस है ये, एंड ये भी देखो, अगर मुझे मतलब मेरे को पता था ये हाफ स्लीव्स है, ये मैं कल को साइमा को भी नहीं दे सकती और मायरा को तो ये आएगी ही नहीं, ना ये रब्बानी को आएगी, ना ये मायशा को आएगी, और मेरे नोन में कोई बेबी गर्ल है भी नहीं। बट मुझे बड़ी क्यूट लगी, मैंने ये ऑर्डर कर दी, और मैं इसको सोच रही हूँ इसको मैं अपने पास ही रखूँगी हमेशा संभाल कर। पता नहीं ये बात, ये मैंने ऐसा क्यों करा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा अभी तक, क्योंकि हमारा कोई नेक्स्ट अभी बेबी प्लान करने का भी कोई दूर दूर तक कुछ ऐसा हमने नहीं सोचा है, बट फिर भी मैंने कर ली। तो ये पिंक एंड वाइट कलर की इस तरह की ड्रेस है, यहाँ पे फ्लेमिंगो बना है, और ये चेक वाला प्रिंट है, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को आप डाल सकते हैं। देखो इसी पीछे से इस तरह से टिच बटन है, और इसका जो ये नेक है ना, ये वाले नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मायरा के लिए भी बहुत सारी ड्रेसेस ऑर्डर करती हूँ इस तरह की। तो नेक्स्ट पीस लिया है मैंने, ये एक तरह से रोम्पर है, हाफ रोम्पर, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो टिच बटन्स हैं, बट अगर आपको परचेज करनी है अपने बच्चे के लिए तो आप इसको कर सकते हैं। आप फुल स्लीव्स का अंदर हाई नेक पिनाओ, ऊपर से आप इसको पिना सकते हो, व्हाइट कलर का हाई नेक या फिर पिंक कलर का हाई नेक पिना के आप बच्चे को ये पिना सकते हो, ठीक है। सेकंड, मुझे हंसी भी आ रही है आपको ये दिखाते हुए कि मैंने ये क्यों लिया है। सेकंड पीस लिया है मैंने ये ड्रेस। नेक्स्ट मेरा फेवरेट ड्रग स्टोर में आप कह सकते हैं, अफोर्डेबल में आप कह सकते हैं, एंड अमेजिंग तो है ही है,
वो है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आपने बहुत सारे लोगों से इसकी तारीफ सुनी होगी गाइस, तारीफ झूठी नहीं है, ये कंसीलर सच में तारीफ के काबिल है। देखो हाई एंड ब्रांड तो होते ही अच्छे हैं, बट अगर आपको कोई कंसीलर 150 और 160 ऐसी ही इसका प्राइस है, उसकी रेंज में इतना अच्छा, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी, इतनी अच्छी ब्लेंडिंग, इतनी अच्छी कवरेज मिल रही है ना अगर आपको, तो मुझे लगता है कि मस्ट है। ये देखो, इससे ज्यादा मुझे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इसने मेरी मेहंदी को हाइड कर दिया है यार, आप ये लगा लो। तो ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छा, अफोर्डेबल भी है। नेक्स्ट लिया है मैंने कंसीलर, ये तो हर किसी के पास मुझे लगता है, अगर कोई भी मेकअप करता है ना तो उसके पास ये कंसीलर तो होगा ही होगा। अगर अफोर्डेबल आपके पास किट है तो उसमें ये कंसीलर तो ज़रूर होगा, नहीं है ना तो इसको जल्दी से अपनी किट में ऐड करो, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग कंसीलर है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी पर्सनली पता नहीं, बहुत ही प्यारी सी फ्रेग्रेंस है। अगर आपके पास है ना तो आप मुझे बताना आपको स्विस ब्यूटी के कंसीलर की फ्रेग्रेंस पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट लिया है मैंने ये, अब मैंने नेक्स्ट लिया है मार्स। मार्स के प्रोडक्ट्स के तो यार मैं क्या तारीफ करूं, मैंने मार्स का लिया है नेक्स्ट। ये मस्कारा, इसका जो एक अफोर्डेबल वाला 170-180 की रेंज में है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो ब्लैक कलर की बॉटल है एंड गोल्डन कलर का कैप है, जिसका मैं स्क्रीन पे पिक्चर दे दूंगी। बट मेरे को अभी ये रोज गोल्ड वाला भी दिखा, इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी सिमिलर है अपने लॉरेल पेरिस वाले से, बट ये भी अगेन ये 200-250 की आसपास की रेंज का है, और ये बहुत ही प्यारी मुझे इसकी पैकेजिंग लगी। अब इसका वॉन्ड देखते हैं कैसा है, तो इसके भी रिव्यू एंड वाओ गाइस ले लो यार, कितना प्यारा है। मैंने ना वैसे अप्लाई कर रखा मस्कारा तो आपको पता नहीं चलेगा, बट ये लगाने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है। मुझे लग रहा है ये लेंथ एंड वॉल्यूम दोनों देगा, और बहुत ही अफोर्डेबल है ये भी, 250-260 मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। नेक्स्ट लिया है मैंने ये मार्स का मस्कारा। मार्स के प्रोडक्ट्स जैसे जैसे मैं जो जो लेती जा रही हूँ ना, मतलब मैं शॉक्ड हो रही हूँ, मतलब कि जब हम लोगों का टाइम था मेकअप खरीदने का, तो मतलब हाई एंड ब्रांड में अच्छे अच्छे मेकअप आते थे, अफोर्डेबल में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आता था, ज्यादा लैक में मेबलिन ये सब था। बट अभी मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ, मतलब कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स में अफोर्डेबल चीज़ों में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं यार, हमारे लिए भी कर लेते इतना, और यार इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हमारे टाइम पे भी आ जाते। सो नेक्स्ट लिया है मैंने ये मार्स का मस्कारा, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, आई एम फैन ऑफ शार्जल। आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि मैं कितने, मुझे पसंद है, मैं रोज रोज आपको, मैं कभी ना अपना, अभी थोड़ा मेरे वॉशरूम में एक दो चीजें हो जाए, मैं जरूर आपको किसी व्लॉग में ना अपने वॉशरूम का टूर करवाऊंगी, तो आप देखना उस टूर में कि मेरे पास कितने ज्यादा बॉडी मिस्ट एंड शार्जल का कलेक्शन है। मुझे बॉडी मिस्ट अलग 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 फ्रेग्रेंस के पसंद है यूज करना, और मुझे शार्जल भी अलग 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 फ्रेग्रेंस के यूज़ करना पसंद है, कभी किसी से कभी किसी से। मैंने अपने बहुत बार अपने व्लॉग में भी बताया कि मैं मायरा के साथ भी ऐसे करती हूँ, मतलब मायरा जब बहुत छोटी सी थी ना, तब से मैं उसको एक टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखती थी, मतलब मैं उसका चीकू भी रखती थी, पिजन भी रखती थी, मामा अर्थ भी रखती थी, अवीनो भी रखती थी, सेबामेट भी रखती थी, हिमालय भी रखती थी, सारे शैम्पू सारे लोशन रखती थी, और मैं कभी इसको कुछ यूज़ करती थी, कभी इसको कुछ यूज़ करती थी। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ना आपकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है सारे प्रोडक्ट्स के लिए, एंड आप एकदम से अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करें और एकदम से आप चेंज करते हैं, तो आपको कोई रिएक्शन या एलर्जी हो सकती है, बिकॉज आपकी बॉडी को आदत नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ नहीं पता होता, आज कभी वो प्रोडक्ट खत्म हो जाए, अवेलेबल ना हो, तो आपको हर एक चीज़, ये मेरी थिंक है, तो मुझे पसंद है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक और शार्जल ऐड करा है अपनी बात किट में, जो कि है ये लक्स का। गाइस इसको ना, मतलब ये वर्थ है, आप पहले इसकी, कितना बड़ा है ये, 450 ml मिल रहा है आपको, एंड इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ठीक ठीक है, 350 की रेंज में आपको मिल रहा है। अभी अमेजोन पे बहुत ही अच्छी ऑफर्स चल रहे हैं, जो कि आपकी द ग्रेट इंडियन सेल थी वो एक्सटेंड हो गई है, तो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे ही मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर आपको। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, बस इसको मैंने ये क्या करा था,
मैं इसके लिए भी मैंने ये करा, एक और मैंने लक्स का क्रीम वाला शेयर करा था ना, मैंने इसकी और उसकी ना एक शॉप पे जाके फ्रेग्रेंस ऐसे खोल के ना चेक कर ली थी, दो तीन की कर ली थी, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो मैंने ना घर आके इसको अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था। सो नेक्स्ट लिया है मैंने ये शार्जल, बहुत ही अमेजिंग है एंड इसमें भी काफी सारे और भी फ्रेग्रेंस अवेलेबल है इसी पैकेजिंग में, इसी रेट में एंड इसी क्वांटिटी में, आप देख लेना आपको कौन सी लेनी है। नेक्स्ट लिया है मैंने ये लक्स का शार्जल। ओके नेक्स्ट मैंने अगेन मायरा के लिए मैं ये ममा अर्थ के ना शार्जल यूज करूँ गाइस, ट्रस्ट मी। एक दिन मैंने पता है मेरे को ना, मैं हमेशा मायरा को नहलाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने जब मैं शैम्पू करती थी तो मुझे लगता था, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा मायरा के बालों से ना ऑयल नहीं निकला, मैंने फिर से शैम्पू करा फिर मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि इतने स्मूथ स्मूथ क्यों लग रहे हैं ऐसे जैसे ऑयल या कंडीशनर। मैंने कहा चल छोड़िए बेकार है, जब मायरा नहाकर बाल उसके सूखे, उसके बाल इतने स्मूथ सिल्की शाइनी हो गए, तब मुझे पता चला कि गाइज ये शैम्पू ही ऐसा है कि इतने बाल स्मूथ कर देता है। एंड उसके बाद मैंने एक दो बार अपने लिए भी इसको यूज़ करे, बहुत ही अच्छा शार्जल है। बॉडी वॉश आप इसको बालों में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ना ही पैराबेन फ्री है, ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, SLS एंड SLES फ्री है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने एक और फ्रेग्रेंस मंगवाई है, मेजर मैंगो, एंड हाँ दो साल से ऊपर के बच्चों के लिए ही है ये वाला, अगर आपके दो साल से कम के हैं तो आप ममार्थ का दूसरा ग्रीन एंड वाइट वाला आता है वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिया है मैंने, और हाँ आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा सा कम चलेगा, गाइस ये ट्रस्ट में इतना सा लगाना पड़ता है, इतना सा, ये आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा, इतना सा, इतने सारे झाग बनते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट लिया है मैंने ये, अब नेक्स्ट लिया है मैंने एक मिस्ट जिसकी बात करी थी आ गया, तो ये है लेयर्स वॉटगर्ल। इसके मैं पहले बहुत सारी यूज करती थी, मैं बहुत ज्यादा फैन थी, बट अब क्या है ना अभी इसकी न्यू रेंज आई है तो मैंने सोचा मैं ट्राई करूं, तो मैंने देखा भी वाओ अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट लिया है मैंने ये बॉडी मिस्ट और वेनीला ट्विस्ट, वेनीला वाली फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओके नेक्स्ट मैंने लिया है चामेस मिलानो, मैंने बोला था ना मैंने काफी सारी चीजें ऑर्डर करी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये ब्रांड, तो मैंने इसका लिया है ये चामेस मिलानो का शेड 12। ये है एक लिक्विड आईलाइनर और आई शेडो, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैं लगा के दिखाती हूँ इसका कमाल। ये मैंने वही शेड ले लिया जिसका मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करा था ना पिगमेंट्स आईज पे लगाने वाले, ये बिल्कुल वही है, ये देखिए इस तरह से है एंड आपने इसको फिर कर देना है ऐसे से, ये पिंक टोन दे रहा है आपको पिंक, ये बहुत ही प्यारा ग्लिटर है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग, ये देखो ये कुछ इस तरह का है। तो इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप देख लेना अगर आपको पसंद है और आपको कौन सा कलर लेना है, बाकी ये बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा ये अफोर्डेबल नहीं है, थोड़ा सा ही महंगा है, 800 और 750 के आसपास है ये, बट 895 का है, बट ये बिल्कुल वर्थ है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट लिया है मैंने ये, अब नेक्स्ट मैंने बहुत ही प्यारे से क्यूट से इयररिंग्स लिए हैं, मुझे इतने ज्यादा पसंद आए कि मैंने ले लिए, और ये वाले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिए थे, भी मैंने पहन रखे बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट जो मैंने लिए हैं डेली में पहनने के लिए लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ क्या क्वालिटी है, मतलब जब ये रिसीव हुए मैं हैरान रह गई, मैंने कहा यार इतने प्यारे इयररिंग, ये देखो ये देखो, क्या आपको देख पा रहे हो आप, कैसे दिखाऊं, ये देखो ये एक स्टोन लगा है यहाँ पर इस तरह से, एंड इस तरह से आपने इसको पहनना है अपने कान में, यहाँ से जैसे होते हैं ना ऐसे डालने वाले, इस तरह से सिंपल है, जस्ट एक स्टोन है, बाकी इतने प्यारे इयररिंग्स लगे मुझे ये डेली वेयर में पहनने के लिए, कुछ ऐसे से ही पसंद है मुझे, वरना वो एक सिंपल सा जो मैं एक स्टर्ट पहनती हूँ, एक स्टोन वाला पहनती हूँ स्टर्ट वो। नेक्स्ट लिए हैं मैंने ये इयररिंग्स, बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग आई थी इसकी, इस तरह से बॉक्स के अंदर एंड इस तरह से एक कार्ड था, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फिर पहन के दिखाऊंगी आपको, ठीक है, या फिर पहनकर यहाँ पे एक पिक्चर शेयर कर दूंगी, मॉडल की कर दूंगी ना कि कैसे लग रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट नहीं है,
मतलब जो मैंने ऑर्डर करा था उसमें से लास्ट ही है। नेक्स्ट मैंने करी है रिने की चेक मैट लिक्विड लिप कलर कैस्टल ऑफ न्यूड, शेड नाम है, शेड नंबर है कैस्टल ऑफ न्यूड। इतनी प्यारी लगी ना मुझे ये वाली रिने की मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स के मैं सारे ले लूंगी जितने भी प्यारे प्यारे शेड है, और एक मैं रेड भी ऑर्डर करूंगी बिकॉज अब मुझे रेड काफी पसंद आने लगा। तो जो मैंने शेड ऑर्डर करा है वो है ये। आप ना थक गए होगे मेरी लिपस्टिक्स के शेड देख देख कर, ये वाले पता नहीं सारे, मतलब मैं हमेशा अलग अलग नाम करती हूँ बट जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो सारे यही वाली कलर आ जाते हैं। नेक्स्ट लिए मैंने ये बहुत ही अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है, बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं करती, पैची नहीं करती एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब जो है लास्ट प्रोडक्ट ना, ये मुझे समझ नहीं आया कहाँ से आया कैसे आया, ना मैंने इसको ऑर्डर करा ना मैंने इसको दूर दूर तक अपने सर्च बार में ढूंढा ना देखा ना मैंने खरीदने की सोची, बट ये कैसे ऑर्डर हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है तो ये किसी मेरे प्रोडक्ट के साथ मुझे फ्री मिला है या क्या है। बाय द वे ये है लिलियम की हर्बल 3D स्किन वाइटनिंग फेयरनेस क्रीम। मैंने इसको सर्च बार में लिख कर देखा कि यार ये क्या है पहले, क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी लगी कि ये शायद ब्लीच है। मैंने इसको ऐसे जब खोल के देखा ना तो मुझे लगा कि ये ब्लीच है। ये देखो ऐसी होती है ना ब्लीच, एक साइड में होती है, बट इसके साथ मुझे कोई एक्टिवेटर भी नहीं मिला। तो हाँ मैं पता नहीं अब इसको यूज करूँ ना करूँ, डर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्या है। ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट है ये। सो इसी के साथ मेरा हॉल होता है खत्म। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो एंजॉय करा। पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक वो भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दूंगी, वहां पे भी मुझे फॉलो कर लो। अच्छी अच्छी रील्स अपलोड करती हूँ, पोस्ट अपलोड करती हूँ, कभी कभी लाइव भी आ जाती हूँ टाइम मिलता है। तो फॉर श्योर कि आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रखा हो, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इंस्टा पे ही शेयर करूंगी। और काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं करती हूँ बट इंस्टा पे कर देती हूँ, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो। क्या मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।